विधानसभा चुनाव में जो कि 10 साल के बाद यहां पर हो रहे हैं और श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है। यंगस्टर की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें तो वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट किया है विधानसभा चुनाव के लिए। क्या नाम है आपका? रिद्धि शर्मा। फर्स्ट टाइम वोट? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी उत्सुकता थी, कि कितना इंतजार कर रहे थे कि 25 तारीख आए वोट डालना है, और कितनी खुशी हो रही है आज आपने पहला अपना वोट कास्ट किया? बहुत अच्छा लगता है, फर्स्ट वोटिंग तो हमेशा स्पेशल होती है। इसके रिजल्ट का भी वेट रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट करा है। इसके लिए मैं स्पेशली गुड़गांव से अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर यहाँ आई हूँ। हाँ, स्पेशल वोट डालने के लिए? हाँ जी। तो क्या कुछ दिमाग में था, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया, क्या क्या कुछ मुद्दे थे जो आपने सोचे थे कि मैं वो मेरे काम पूरे हो सकते हैं कटरा के लिए? श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है ना, तो क्या कुछ सोचा था दिमाग में, किस तरीके को वोट दे? डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि क्या बेनिफिट रहेगा, अगर किसको वोट देंगे और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो हो रहा है ऑल ओवर इंडिया उसको भी ध्यान में रखा हुआ है। साथ ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर ध्यान दिया है कि किसको देखकर बेनिफिट आएगा। आप गुड़गांव से स्पेशल बायर यहाँ पर वोट करने आए हैं, आज आपको पता है यहाँ यहाँ इलेक्शन हो रही है, वहाँ वहाँ छुट्टी है। कुछ लोग होते हैं आपकी तरह यंगस्टर, या कुछ लोग होते हैं कि वो छुट्टी मनाते हैं कि 25 तारीख का वोट नहीं है तो छुट्टी मनाएंगे, घूमने चल जाएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सफरेज तो हमारे संविधान में भी लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अगर फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो फिर राइट्स कैसे मिलेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको अपना राइट देना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए, फिर गवर्नमेंट आएगी। क्या क्या संदेश रहेगा यंगस्टर को, जिस तरीके से आप यंगस्टर हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरह जो यंगस्टर हैं, लड़के लड़कियाँ आजकल नशे में भी ज़्यादा जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? यही रहेगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में, अपनी गवर्नमेंट चाहिए तो फिर अपने अकॉर्डिंग वोट दो, ऐसे अपने राइट्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या संदेश क्या रहेगा यंगस्टर को आपकी तरफ से जो नशे की तरफ बढ़ रहा है? कि रिस्पॉन्सिबल रहो, अपनी लाइफ ऐसे ख़राब नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रिद्धि। रिद्धि शर्मा, कटरा। कटरा। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे साथ रिद्धि शर्मा है और इनकी माता जी ने भी वोट कास्ट। माता जी किन्नी खुशी हुई आज, मतलब बेटी तुंदी गुड़गांव से इधर आई है स्पेशल वोट पाने? मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये आई, इसने खुद ही बोला था कि मम्मा इस बार मेरा फर्स्ट वोट है, मैं खुद डालने आऊँगी। फिर इसने बोला कि मेरी ट्रेन की नहीं हो रही है, मेरी भाईयर की टिकट करवा दो, हमने करवा दी तो ये आ गई। ये रात को 8 बजे घर पहुँच, 10 बजे घर पहुँची है, 8 बजे फ्लाइट जम्मू। हाँ हाँ हाँ, स्पेशल वोट डालने आई है। वापस कॉलेज चले? हाँ जी, मैं चली जाऊँगी। स्पेशल वोट डालने? हाँ जी। तो ये रिद्धि शर्मा है, स्पेशल गुड़गांव से बाई ईयर आए हैं, तो माता पिता का भी सपोर्ट रहा कि वोट ज़रूर डालें क्योंकि पहली बार वोटिंग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, उसमें भी काफ़ी उत्साह होगा। हाँ जी, क्योंकि पहले तो रियासत, हाँ पहले, अब जो श्री माता, जो आपका प्रत्याशी जो भी जीतेगा वो कटरा के लिए ही, सिर्फ कटरा के लिए काम करेगा, वोट डालना के लिए ज़रूरी। ये थे हमारे साथ, और इन्होंने साफ बोला कि जो इनकी तरह यंगस्टर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोटिंग करने आए, और किन मुद्दों को वोट दे रहे हैं वो मुद्दे उनको पूरे करवाएं। आप देखते रहें जेके मीडिया, मैं आशीष शर्मा, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी कटरा से।